हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बात करेंगे कि सहज रिटर्न आप कैसे भर सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने न्यू रिटर्न्स के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने तरह के रिटर्न्स हैं, किस रिटर्न में क्या डिटेल्स चाहिएगी, आप किस बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं और साथ ही मैंने आपको RET-1 जो मंथली बेसिस पे जाएगी वीडियो उसकी प्रॉपर वीडियो में दे रखी है और आप देख सकते हैं इन्फो कार्ड्स में आपको रेफरेंस भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो सारी रेफरेंस आपके लिए डाल दूंगी। ठीक है, अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में रिटर्न्स में आपके पास न्यू रिटर्न ट्रायल वो लेके जाता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने किया कि वाज योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़, मैंने इसको यस कर दिया। ठीक है, इंटेंट टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न, यहाँ पे भी मैंने यस किया। जैसे यस किया तो आप ये देखिए सहज, सुगम और क्वार्टरली का मेरे पास तीनों का ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम सहज के ऊपर बात करेंगे। सपोज कीजिए मैंने सहज को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया तो आप ये देखिए इन्होंने क्या कहा, यू हैव सेलेक्टेड टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ रिटर्न एज सहज, कि सहज है। अब सहज में आप किस तरह की डिटेल डाल सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, सहज में आप रिटर्न डाल पाएंगे सिर्फ और सिर्फ B2C सप्लाईज अगर आपकी है तभी आप सहज भर पाएंगे, अदरवाइज आप सहज नहीं भर पाएंगे। दैट मीन्स अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्लस आपकी सिर्फ और सिर्फ B2C सप्लाईज है या फिर ऐसी कोई परचेज है जो आपकी नॉर्मल इनपुट वाली परचेज हो गई या फिर आपकी ऐसी परचेज जिस पे आपका रिवर्स चार्ज बनता है, वही डिटेल्स आप सहज में डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई डिटेल आप सहज वाले रिटर्न में नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर अब मैंने अगर सपोज कीजिए यस कर दिया। ठीक है, यस करते ही इन्होंने ये वाला इंटरफेस दे दिया। यहाँ पे मैंने रिटर्न फाइलिंग से जुलाई टू सितंबर कर दिया क्योंकि अभी क्या है, क्वार्टरली बेसिस पे है। ठीक है, रिटर्न फॉर्म मैंने सिलेक्ट किया। अब दोस्तों ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी रिटर्न पैटर्न पे चले जाइए, चाहे वो आपकी सहज हो, सुगम हो या नॉर्मल RET-1 हो, सभी में आपको अनेक्षर 1 अनेक्षर 2 दोनों ही भरने हैं। अनेक्षर 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाईज को लेके है, प्लस अगर आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपके रिवर्स चार्ज में बनती है तो वो आप अनेक्षर 1 में बताते हो, और अनेक्षर 2 आपका ऑटो ड्राफ्ट होता है जिसमें आपकी सारी परचेजेस रिफ्लेक्ट करती है। सहज सुगम बेसिस पे अगर आप RET-1 लेते हो तो उसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि आप मिसिंग इनवॉइसेस का क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये तीन बातों का ध्यान में रखते हुए आप दोस्तों सपोज कीजिए मैं ANX-1 भरती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, जैसे करंटली आप GSTR-1 भर रहे हैं, अगर आपके पास ज्यादा डेटा है तो आप ऑफलाइन मोड के थ्रू आप उसको यूटिलिटी जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन मोड पे जा सकते हो। ऑनलाइन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड तो आप देखिए वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या आपने कोई B2C सप्लाई करी थी या कोई आपने इनवर्ट सप्लाई ऐसी करी थी जिसपे आपका रिवर्स चार्ज बनता था। मानिए मैं दोनों पे यस कर देती हूँ, ठीक है, और मैंने डिक्लेरेशन पे भी क्लिक कर दिया है, देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ देखिए वही सेम टेबल जो मेरे नॉर्मली RET-1 जो मंथली बेसिस में काफी सारी टेबल थी उससे फिल्टर आउट होके अब सिर्फ दो ही टेबल्स रह गई हैं, 3A एंड 3H। 3A क्या है, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन / कंज्यूमर B2C। ठीक है, और 3H क्या कह रहा है आपको, रिवर्स चार्ज। अगर मैं B2C में जाती हूँ तो आप यहाँ देखिए पहला आता है डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, यानी अगर आप पे डिफरेंशियल परसेंटेज टैक्स रेट अप्लाई होता है तो आप उस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन आ जाता है आप पे कि एक और जो चेकबॉक्स आ जाता है वो कहता है सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST Act। ये क्या है दोस्तों, सेक्शन 7 आपको बताता है इंटर स्टेट सप्लाईज। ठीक है, यानी दो स्टेट्स जहां पे इन्वॉल्व हो जाती है, अगर ऐसा कोई कंसर्न है आपका तो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। अब इससे क्या डिफरेंस होगा, जैसे ही आप सेक्शन 7 वाले पे क्लिक करेंगे और सपोज कीजिए कोई भी आप यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करते हो, एड डिटेल करोगे तो आप पे IGST का कॉलम एक्टिव हो जाता है। बट यही अगर मैं ये हटा देती हूँ तो आप देखिए अब इधर मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया क्योंकि ये रजिस्टर्ड इन दिल्ली थे, तो आप देखिए यहाँ पे C+S हो गया बाय डिफॉल्ट। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, अब आपसे गलती नहीं होगी आपकी टैक्स लायबिलिटी एंटर करते वक्त। ठीक है, सेम वेज अगर आपकी कोई परचेज ऐसी आ जाती है जिसमें RCM है तो आप यहाँ देखिए आप डाल सकते हैं, जिससे भी आपने वो परचेज करी अगर वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, ठीक है, और फिर भी RCM में फॉल कर रहा है जिसमें वो सप्लाई आपके RCM में फॉल कर रही है तो आप उसका GSTN डालेंगे, बट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसका पैन नंबर डालेंगे। अब इससे क्या इंश्योर करें कि लिंकिंग हो पाएगी कि उसने एक्चुअल में सेल करी है, यानी कि अब एक इंटरलिंकिंग मोड में आगे मूव कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है अगेन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप समरी अपनी जनरेट कर पाएंगे। सपोज कीजिए व्यू कंसोलिडेट समरी अगर मैं करती हूँ तो आप यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट दिख जाएगा कि आपका किस हेड में कितना आपने अमाउंट एंटर किया है
आप समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यही अगर मैं अपना अनेक्स 2 भरती हूँ दिखाती हूँ, तो आप देखिए अनेक्स 2 क्या है, अनेक्स 2 ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, ठीक है, ये भी आप ऑनलाइन मोड पे आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोसीड किया तो आप देखिए अब ये आपको समरी दिखा देगा कि आपकी कौन कौन सी परचेजेस थी। दैट मींस जैसे ही आपके वेंडर ने अपनी रिटर्न्स डाली होंगी आउटवर्ड सप्लाईज की, यानी अनेक्स 1 जैसे ही डाल दिया होगा तो वो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। बट अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप मिसिंग आईटीसी का इनपुट नहीं ले पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली आप अपनी ये सहज रिटर्न को फाइल कर पाएंगे, ठीक है। वो कब फाइल कर पाएंगे, आपको मंथली बेसिस पे PMT08 में टैक्स भरना होगा, क्वार्टरली क्वार्टर को खत्म होते ही आप अपनी ये RET-2 बेसिकली है आपकी सहज को लेकर, ठीक है, आप वो फाइल कर पाएंगे। उम्मीद करते हो दोस्तों कि आपकी RET-2 को लेके अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी सहज को लेकर। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को टेकअप करके स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आंसर वीडियो है वो मैं आपके लिए बनाऊंगी। अगर दोस्तों आप जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिशनर एग्जाम के लिए आप बैठना चाहते हैं और एग्जाम में अपियर करना चाहते हैं, जो ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स हो जाता है बेसिकली, यानी गवर्नमेंट ही आपको सर्टिफिकेट देते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर का वंस यू क्लियर द एग्जाम, उसके लिए मैं अपना कोर्स लेके आ रही हूँ अन अकेडमी पर, जो कि 22 फरवरी 2020 से शुरू होगा। ये एक वीकेंड बैच रहेगा ताकि आपको अगर आप रेगुलर ऑफिस गोइंग है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको देखने में। लाइव कोर्स रहेगा, मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊंगी, बाद में आप रिकॉर्डेड सेशन भी इसके देख सकते हैं ताकि अगर आपका कुछ मिस हो गया या आप रह गए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। कूपन कोड CA दिव्या लगाने से आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।